हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बॉम्बे का फेमस चीज़ी चिकन चटनी कबाब रेसिपी। आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, आधा कप हरा धनिया और पुदीना लेंगे, दोनों मिलाकर आधा कप है, हाफ हाफ क्वांटिटी में लें। एक टी स्पून के करीब जीरा पाउडर डालना है, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, एक टी स्पून चाट मसाला पाउडर, एक टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, तीन हरी मिर्चों को कट करके डाला है, ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, दो ब्रेड के स्लाइस डाला है, इसके कॉर्नर्स निकाल कर डाले, नमक डाले टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने एक टीस्पून डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर ले। देखिए इस तरीके से लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब नहीं बनेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए आधा कप हरा धनिया, आधा कप से थोड़ा सा कम पुदीना, एक हरी मिर्च और चार लहसुन की कलियाँ लेंगे, ये हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला पाउडर और नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके हरी चटनी बना लें। उसके बाद एक चौथाई कप, यहाँ पर मैंने डेजिग्नेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है यानी नारियल का बुरादा, एक चौथाई कप मोजरेला चीज़ डालना है, हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी पीसते वक्त बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से गाढ़ी चटनी पीस लिया है। उसके बाद दो टेबल स्पून के करीब मेयोनीज डालेंगे, देखें कोई भी मेयोनीज ले सकते हैं आप अपनी पसंद से मेयोनीज डालें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप इसके अंदर प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ मोजरेला चीज़ डाला है और क्वांटिटी मोजरेला चीज़ की आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मेरे पास जितने अवेलेबल था घर में, मैंने उतना ही मोजरेला चीज़ डाला है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी। उसके बाद देखें जो हमने चिकन पीस कर रखा था उसे इस तरीके से हथेली पर लेना है। अब हम कबाब बनाएंगे, जिसके लिए इस तरीके से हथेली पर लेकर ऐसा फैला ले हथेली पर। उसके बाद एक टेबल स्पून के करीब स्टफिंग लेना है और इस तरीके से बीच में रखते हुए चिकन को इस तरीके से सब तरफ से फोल्ड करते हुए, जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से फोल्ड करते हुए हमने कबाब तैयार करना है। देखिए यहाँ पर एक कबाब हमारा तैयार हो गया है, इसी तरीके से मैंने सारे कबाब तैयार कर लिया है। देखिए एक बर्तन के अंदर अभी ब्रेड क्रम्स लेना है, अगर ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो ब्रेड को पीस ले। उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने ना एक टेबल स्पून के करीब ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है, अच्छे से ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से मिक्स करना है। ब्रेड क्रम्स में मैंने सारा ग्रीन कलर फूड कलर अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद एक कबाब लेना है, मैंने यहाँ पर दो अंडों को फेंट लिया है, कबाब को पहले अंडे में डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स से इस तरीके से कोटिंग करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से कोटिंग कर ले, एकदम ग्रीन कलर के बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्राई करने से पहले 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, उससे ना बहुत क्रिस्पी कबाब फ्राई होते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने पैन के अंदर अच्छा सा तेल गरम कर लिया है, यहाँ पर मैंने तेल है ना आधा कप के करीब डाला है। उसके बाद कबाब को यहाँ पर तेल में अच्छे से फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर कबाब को बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चिकन जो है वो अंदर से कच्चा है, हमने चिकन को पहले पकाया नहीं है, इसलिए एकदम लो फ्लेम के ऊपर आपने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से फिर दूसरी साइड से पलटकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी आपने कबाबों को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर ब्रेड क्रम्स से जिससे हमने कोटिंग किया है वो ब्रेड क्रम्स ऊपर से जल जाएंगे और कबाब अंदर से ना कच्चे रह जाएंगे, इसलिए एकदम फ्लेम लो रखते हुए आपने अलट पलट करते हुए अच्छे से कबाबों को फ्राई करना है। देखिए इस तरीके का कलर आ जाए उसके बाद हम कबाब निकाल लेंगे, अंदर तक अच्छे से पकना चाहिए इसलिए अच्छे से फ्राई जरूर करें। चिकन के कबाब के साथ जो हरी चटनी का फ्लेवर, उसके साथ चीज़ का फ्लेवर, बहुत ही ज़बरदस्त सा कबाब बनके तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ानों में भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर ट्राई करने के बाद आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।